जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट एंड जॉब कॉस्टिंग है। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वैसे तो वीडियो बहुत सारी बनाई जा चुकी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन एक प्रॉब्लम के तौर पर कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है, तो वहाँ पर उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस किया ये तो नहीं मालूम है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी वीडियो आप जरूर बना दीजिए। तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त क्वेश्चन नंबर 15 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की देखिए, स्वाति पब्लिकेशन की ये बुक है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर प्रॉब्लम नंबर 15 की रिक्वायरमेंट है, तो आपकी नज़रों में ये सवाल भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो इस वक्त स्क्रीन पर आप 15 क्वेश्चन देखेंगे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर क्वेश्चन जो हम इस वक्त सामने है, कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्टेड द वर्क ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2005, द पोजीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 31 दिसंबर 2005 वाज एज फॉलोज, मटेरियल कंज्यूम 37,500, लेबर 6,250, प्लांट इशूड 12,500, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 2,500, द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड वाज ₹90,000, ऑफ विच 75% हैड बीन रिसीव्ड इन कैश, द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड ₹2,500 एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ₹1,50,000। ऑन 31 दिसंबर 2005, प्लांट एंड मटेरियल एट साइट वर वैल्यूड एट ₹6,000 एंड ₹1,500 रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड असर्टेन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच कैन रीजनेबली बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मांगा गया है और प्रॉफिट कितना होगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा वह भी पूछा गया है। तो चलिए बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के लिए फॉर्मेट आपके सामने है। आप पिछली वीडियो को यह देखें ध्यान से तो उसमें आप काफी चीज समझ सकते हैं, जान भी जाएंगे। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो कि थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2005 को तैयार किया जा रहा है, यहां डेट डालेंगे इस तरह से, और इस वक्त फॉर्मेट इसका आपने पहले वाले वीडियो देखी होगी उसमें इसी तरह से हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया है। धीरज सर कॉमर्स क्लासेज के नाम से हमारा चैनल है, इस पर आपकी पसंद की ही वीडियो डल रही है, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने कमेंट में अपनी रिक्वायरमेंट जरूर भेजते रहिए, जिससे हमें पता चलता रहे कि आपको किस प्रकार की वीडियो की रिक्वायरमेंट है। तो सवाल में हमने जो चेक किया, इस क्वेश्चन में मटेरियल कंज्यूम लिखा गया है 37,500। यदि मटेरियल यूज्ड या मटेरियल कंज्यूम शब्द लिखा हो तो मटेरियल कंज्यूम में मटेरियल डिस्ट्रॉयड, मटेरियल एट साइट, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, इन तीनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो टोटल होगा वही डेबिट साइड में मटेरियल लिखा जाएगा जो कि मटेरियल स्टार्टिंग में लगाया जाता है। तो यहां पर जब मटेरियल शब्द का इस्तेमाल होगा तो यहां पर आपने देखा मटेरियल्स के लिए यहां पर कंज्यूम शब्द का है, ना कि मटेरियल परचेज या मटेरियल फ्रॉम साइट या मटेरियल फ्रॉम स्टोर, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ओनली मटेरियल कंज्यूम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर मटेरियल कंज्यूम के अंदर हम इसके अंदर 37,500 में जो मटेरियल इनके पास साइट पर बचा हुआ है 1500, इसको ऐड करके ही लिखेंगे। इसको जोड़ने पर यहां पर टोटल मटेरियल जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया गया वो 39,000 होता है। उसके बाद लेबर और प्लांट दोनों अमाउंट यहां पर डालेंगे, लेबर 6,250 एंड प्लांट 12,500।
लेबर लेबर का अमाउंट 6,250 एंड प्लांट प्लांट की वैल्यू 12,500। इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, हमने क्वेश्चन पढ़ के दिखाया था, तो यहां पर आप देखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज 2,500 2,500 रुपए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज की वैल्यू है। इसके बाद यहां पर है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 90,000 यानी 90,000 रुपए है और उसका 75% यानी 75% कैश रिसीव्ड है। जब वर्क सर्टिफाइड की बात आती है तो इसको हम क्रेडिट साइड में वर्क इन प्रोग्रेस हेडिंग में लिखते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं है, अधूरे कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसलिए इसमें वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दो टुकड़ों में ये दिखाया जाता है। कभी कभी वर्क अनसर्टिफाइड नहीं होता है, अगर वर्क अनसर्टिफाइड नहीं है तो उसको नहीं लिखेंगे। कभी कभी इसको फाइंड आउट करवाता भी है किसी प्रॉब्लम में, तो वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू यहां पर बुक में देखेंगे तो लिखा है 2,500, इसको लिखेंगे। उसके बाद यहां पर लिखा गया है द कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड के बाद है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जिसका इसमें इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक साल में नहीं पूरा हो रहा है। 31 दिसंबर को प्लांट और मटेरियल इनके पास साइट पर 6,000 और 1,500 यानी कि 1,500 के बचे हुए हैं, इसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्लांट एट साइट 6,000 बाय मटेरियल्स एट साइट 1,500 लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इस सवाल में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए स्पेशली कहा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे ये भी पूछा गया है। तो जो प्रॉफिट यहां पर आता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अधूरा होता है, तो यहां पर जो प्रॉफिट प्राप्त होता है उसको नॉमिनल प्रॉफिट बोलते हैं, यानी ये एक संदेहास्पद प्रॉफिट होता है। कॉन्ट्रैक्टर को ये नहीं जानकारी होती है कि अगले स्टेप में उसको फायदा होगा या नुकसान। अब क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को हम लेस करेंगे और पता लगाएंगे कि हमें फायदा हुआ या नुकसान। तो चेक करते हैं, यहां पर 90,000 प्लस 2,500 प्लस 6,000 प्लस 1,500 हमें मिला टोटल 1,00,000 रुपए यानी 1,00,000 रुपीज। इसमें से 39,000 माइनस 6,250 माइनस 12,500 माइनस 2,500 यहां पर देखेंगे तो 39,750 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि नॉमिनल प्रॉफिट है। बुक में भी यहां पर देखेंगे 39,750 का प्रॉफिट हुआ है, 39,750 टोटल इसकी वैल्यू 1,00,000 रुपए हमने टोटल चेक किया था जो कि था। अब ये जो नॉमिनल प्रॉफिट है इसको हम निचले वाले हिस्से में यहां पर लाएंगे, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर ये जानने की कोशिश करेगा कि उसको फायदा हुआ तो उस फायदे में से कितना हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, बाय नॉमिनल प्रॉफिट बीडी करेंगे यानी ब्रॉड डाउन करेंगे। यहां पर 39,750 को नीचे लाने पर यहां पर डेबिट साइड में दो भागों में ये प्रॉफिट बट जाएगा, पहला भाग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा भाग होगा वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस प्रॉफिट कैप्ट इन रिजर्व, प्रॉफिट कैप्ट इन रिजर्व कितना रुपया रिजर्व में रखा जाएगा यह भी यहां पर पता चल जाएगा। सवाल को ध्यान से पता लगता है पढ़ने पर, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,50,000 यानी 1,50,000 रुपए है और वर्क सर्टिफाइड 90,000 है यानी 90,000 रुपए है। यदि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 50% से अधिक वर्क सर्टिफाइड होता है तो प्रॉफिट का 2/3 यानी 2/3 ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यदि 2/3 ट्रांसफर करेंगे
तो उसके लिए किस प्रकार से वर्किंग होगी यह भी देखेंगे। तो यहां पर हमारा प्रॉफिट है 39,750 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, यह नियम है। तो कैश रिसीव्ड कितना होगा, यहां पर कैश रिसीव्ड 75% लिखा है वर्क सर्टिफाइड का। यदि हम 90,000 का 75% काटते हैं, 90,000 का 75% यदि काटा जाए तो हमें जो रकम मिलती है 67,567,500 रुपए मिलता है। ये कैश रिसीव्ड है। नियम के मुताबिक हम कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड भी लिख सकते हैं, यानी हम अपनी प्रॉब्लम में इसका सॉल्यूशन ऐसे भी दिखा सकते हैं 39,750 इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड का अमाउंट ये है, वर्क सर्टिफाइड 90,000 ये लिख सकते हैं, या 39,750 इंटू 2/3 इंटू 75/100% 75% कैश रिसीव्ड है तो 75/100 भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड ही लिखें, यदि हमें परसेंटेज मालूम है तो हम उसको ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट ही लिखा जाए, क्योंकि यह अमाउंट 75% इसका है, यानी ये 100% की वैल्यू शो करता है। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में जो रकम ट्रांसफर करेंगे 75% करेंगे 75/100, इसको काटने पर रकम जो हमारे सामने प्राप्त होती है 39,750 इंटू 2/3 इंटू 75% 19,875, यही रकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होती है। इस रकम को यहां लिख देंगे। इसके बाद 39,750 में से 19,875 को लेस करेंगे। इसको लेस करने के बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो जो रकम हमें प्राप्त होगी वही वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो ध्यान से देखेंगे तो इसमें से 39,750 39,750 में से 19,875 घटाने पर 19,875 रुपया ही बचता है। तो इसलिए हमारा वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में चला जाएगा। टोटल 39,750 दोनों तरफ लिख देंगे। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने प्रॉफिट पता लगा लिया जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन में चेक करने पर पता चलता है इसका जो आंसर है प्रॉफिट जो नॉमिनल प्रॉफिट है वो तो 39,750 है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो ट्रांसफर किया 19,875 और प्रॉफिट कैप्टन रिजर्व 19,875 है। तो यहां पर आंसर मैच कर गया है पूरी तरह से। यहां पर आप देख सकते हैं सभी चीजें एक तरफ से मैच है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी मनपसंद वीडियो देखते रहिए, समझते रहिए। फिर एक नया टॉपिक के साथ हम लेकर नई वीडियो आने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।